नमस्कार, मैं अनामिका। चलिए जानते हैं बिहार की 25 खबरों के बारे में। झारखंड में उतरने से पहले ही जदयू हुई फ्रीज। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनाव आयोग ने जदयू पार्टी के चुनाव चिन्ह तीर छाप को फ्रीज कर दिया है। अब जदयू के कोई भी उम्मीदवार तीर निशान का उपयोग चुनाव चिन्ह के तौर पर नहीं कर पाएंगे। कारण, झारखंड मुक्ति मोर्चा के JMM की द्वारा की गई शिकायत की जदयू का चुनाव चिन्ह तीर और धनुष है। BPSC 2019 की परीक्षा में इंस्पेक्टर पद की भर्ती के दौरान पूछे गए कठिन प्रश्न। बीते रविवार की हुई सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के दौरान दो पालियों में ली गई परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हुई। आपको बता दें कि इस परीक्षा में विज्ञान और अर्थशास्त्र के पत्रों के कुछ प्रश्न कठिन दिए गए थे, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ मार्क्स 68-72, OBC वर्ग के लिए 65-67, EBC 60-63 और SC/ST 55-60 दिए गए थे। तेजस्वी पर सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया, सिर्फ कृष्ण का भेष धरना काफी नहीं। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने एक ट्विटर में तेज प्रताप पर तंज कसते हुए कहा कि उनको सिर्फ कृष्ण बनकर बांसुरी बजानी नहीं बल्कि गरीबों की सेवा और पशुओं की सेवा पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्हें अपने देश और राज्य के लिए समर्पित भी होना पड़ेगा। सुशील मोदी बोले, विपक्षी नेता दे रहे पाकिस्तानी दलीलों को बल। सुशील मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की आड़ में विपक्ष के नेता पाकिस्तानी दलीलों को दे रहे हैं बल। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी सहित 11 नेता विपक्ष सहित कश्मीर में कथित दमन की पाकिस्तानी दलील को बल देने के लिए कश्मीर के कूटनीतिक पर्यटन पर गए थे, इसलिए वो वापस आ गए। तेजस्वी ने कहा कि बेहतरीन प्रदर्शन और धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति ही राजद के लायक। तेजस्वी यादव ने सदस्यता अभियान के दौरान कहा कि राजद में हरेक वर्ग और हरेक धर्म के लोगों को आने का मौका मिलता है। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले और अपने बेहतरीन प्रदर्शन वाले ही राजद पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में PV सिंधु ने रचा इतिहास। स्विट्जरलैंड में BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में नोजोमी ओकुहारा को मात देकर इतिहास रचने वाली PV सिंधु को CM नीतीश कुमार ने बधाई दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि PV सिंधु भविष्य में भी देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करती रहेगी, उन पर पूरे देश को नाज है। बिहार पुलिस नहीं बल्कि जदयू पुलिस। कांग्रेस विधायक विक्रम के सिद्धार्थ ने कहा कि बिहार पुलिस को नाम बदलकर जदयू पुलिस कर देना चाहिए, क्योंकि बिहार पुलिस सिर्फ जदयू के लिए ही काम करती है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब अनंत सिंह जदयू में थे तब तो अच्छे थे, तो अब क्यों बुरे हो गए हैं। अनंत सिंह ने कहा कि अभी तबीयत दब है, बाद में पूछी हो। मोकामा विधायक अनंत सिंह से जब पुलिस कुछ जानकारी के लिए उनसे पूछताछ करनी शुरू की तो उन्होंने जवाब दिया कि भेजे गए वीडियो के जरिए उन्होंने जो कहा उसे पूरा किया है, अभी तबीयत दब है, बाद में पूछी हो। बिहार के 7 खिलाड़ियों को मुजफ्फरपुर खेल रत्न अवार्ड के लिए चयनित किया गया, जिसमें नेशनल बैडमिंटन में कैंप कर चुके अमृत राज, स्कूल फुटबॉल नेशनल खेल चुकी श्यामा रानी, वर्ल्ड यूथ कैडेट्स चेस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली मरियम फातिमा, वुसु के नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट कुमार आनंद, रणजी खिलाड़ी विकास रंजन, केवी नेशनल टेटे चैंपियन कुनैन फातिमा, ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी लॉन टेनिस चैंपियन प्रियम कुमारी, नेशनल सीनियर सब जूनियर व जूनियर नेशनल हॉकी टूर्नामेंट खेल चुके सौरभ कुमार को मुजफ्फरपुर खेल रत्न अवार्ड के लिए चुना गया है। बिहार की खेल व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए लगाई गुहार। बिहार प्लेयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय तिवारी ने बिहार के खिलाड़ियों के लिए आवाज उठाते हुए कहा कि राज्य में खेल व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। बार बार निवेदन करने पर भी राज्य के खिलाड़ी सड़कों पर हैं, पर सरकार सोई हुई रही और 4 दिनों बाद राज्य में खेल सम्मान समारोह के आयोजन सरकार के द्वारा खेल दिवस पर किए जा रहे हैं। जब खिलाड़ियों को रोजगार के साधन ही नहीं देंगे तो किस काम के हैं ये सम्मान। किसानों को मिलेगा सिंचाई के लिए सोलर वाटर पंप। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए ऊर्जा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम योजना के तहत सौर पंप देने की तैयारी अक्टूबर महीने से कर दी है। इस योजना से वायुमंडल में प्रदूषित गैसों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड में भी कमी आएगी, साथ ही डीजल और बिजली की बचत भी होगी। अनंत सिंह ने पटना पुलिस प्रशासन से मांगी विशेष सुविधा।
विधायक होने के नाते अनंत सिंह ने पुलिस से विशेष सुविधा की मांग की है। जब उन्हें पुलिस बेर में भोजन दिया गया तो उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी झारखंड में चुनाव लड़ने को तैयार। अब जदयू के बाद रालोसपा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वो आगामी विधानसभा झारखंड में लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वे हरियाणा से भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के रिंग रोड से जुड़ेंगे NH22। बढ़ते ट्रैफिक को कम करने के लिए हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH22 को आउटर इछरग रोड से मुजफ्फरपुर दरभंगा व मझौली चोरौत NH को जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 22 किलोमीटर के इस इछरग रोड में कई सड़कों को भी जोड़ने की संभावना है, जिसमें छोटी छोटी 14 सड़कों को भी जोड़ा जाएगा। गंगा नदी का पानी बढ़ने से दियारा और भागलपुर को जोड़ने वाली सड़क टूटी। भागलपुर को जोड़ने वाली दियारा क्षेत्र की सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है, जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों में पानी भर चुका है। बाढ़ के कारण मवेशी बह चुके हैं, क्षेत्रीय लोगों का भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं नाव की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को गांव से भी पलायन के उपाय नहीं हो पा रहे हैं। जदयू के निशान तीर को फ्रीज करने से परेशान हुए नेता। झारखंड जेडीयू के प्रभारी और बिहार सरकार के मंत्री राम सेवक ने कहा है कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और JAM को मात देंगे। निशान को फ्रीज करने के खिलाफ वे आयोग के साथ ही न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के साथ शिक्षक नियुक्ति का मामला जल्द सुलझेगा। MU के कुलपति देवी प्रसाद तिवारी ने कहा कि 6 अलग अलग विषयों में लगभग 200 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति के विवादास्पद मुद्दे को PPU के अधिकारियों के परामर्श से हल किया जाएगा। कार्यवाहक कुलपति ने 2 विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच प्रस्तावित बैठक स्थगित करने के लिए नियुक्ति में देरी को जिम्मेदार ठहराया। कटिहार स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस का इंजन खुला। नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ जाने वाली 124/24 राजधानी एक्सप्रेस का इंजन से बोगी को जोड़ने वाली कपलिंग लूज होकर अचानक खुल गई, जिसके खुलने के बाद ट्रेन के अंदर भगदड़ मच गई। 1 घंटे से ज्यादा ट्रेन कटिहार स्टेशन पर खड़ी रही। ट्रेन के लेट होने की वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके मेंटेनेंस के लिए रेल प्रशासन कुछ भी कहने से चूक रही है। दारोगा बहाली के नए नियम को बदलने के लिए सड़क पर उतरी महिलाएं। महिला दारोगा भर्ती के नए नियम को बदलने की मांग को लेकर पटना के महिला अभ्यर्थियों ने कारगिल चौक पर जमकर बखेरा किया, जिसमें उन्होंने मांग किया कि महिला दारोगा की बहाली प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की हाइट 160 सेंटीमीटर रखी गई है, उसे घटाकर 155 सेंटीमीटर कर दिया जाए। हाई कोर्ट का आदेश, इको पार्क का मुख्य गेट अब विकास भवन के पास। विकास भवन के पास चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान के दौरान झोपड़ियों को हटाने के लिए 3 JCB को लगाया गया। उसके बगल में बने होटलों और कुछ दुकानों को भी DM ने तोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने ये भी बताया कि न्यू सचिवालय के विकास भवन के पास ही अब इको पार्क का मुख्य गेट होगा। संजय सिंह ने कहा कि तेजस्वी के ईगो ने उनकी पार्टी डुबो दी। जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर कड़ा तंज कसते हुए कहा कि अहंकार ने उनकी पार्टी को डुबो दिया है। उन्होंने तेजस्वी यादव द्वारा JDU के महासचिव RCP सिंह पर बयान को लेकर भी तेजस्वी के बारे में कहा कि RCP सिंह के बारे में बोलना मतलब सूरज को दिया दिखाना है। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए की बड़ी पहल। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए अपना खुद का कमांडो फोर्स रखने की पहल की है, जिसका नाम कोरस कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी रखा है। RPF अधिकारियों को उम्मीद है कि रेलवे कमांडो ट्रेनिंग सेंटर खोले जा रहे हैं। इसके खुलने से ज़्यादा कमांडो फोर्स तैयार किए जा सकेंगे। बिहार में 4 वर्षीय BEd कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। BEd कोर्स करने के इच्छुक छात्र छात्राएं 26 अगस्त से 1 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक वेबसाइट www.cetintbed2019.com के माध्यम से किया जा सकता है। BSEB ने DLED की परीक्षा तिथि में किए बदलाव। BSEB ने DLED की परीक्षा तिथि में बदलाव कर दिया है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2018-20 से पहले सेमेस्टर की परीक्षा अब 3 सितंबर से 9 सितंबर के बीच होगी। इस परीक्षा की तिथि 15 सितंबर तय की गई है। अब जानते हैं आज के मौसम का हाल।
औरंगाबाद, भागलपुर, छपरा, गया, नालंदा, पटना, पूर्णिया, राजगीर और मोतिहारी में सामान्यतः बादल छाने के साथ बारिश की संभावना है। वहीं फारबिसगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और सुपौल में हल्की बारिश के संकेत हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।